ईयर्स आई एम तन्वी, वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी जिसमें 2000 इंडिया के अंदर, इंडिया में 2011 से 12 के बीच पॉवर्टी ने किस टाइप के लोगों को अफेक्ट किया है। इस पिक्चर में देखने से आपको पता लगेगा। रूरल इंडिया में 43% शेड्यूल ट्राइब्स, 29% शेड्यूल कास्ट पॉवर्टी की सिचुएशंस का सामना कर रही हैं। ये तो सोशल ग्रुप्स की बात हुई, राइट? ये तो सोशल ग्रुप्स की बात हुई। ऑक्यूपेशन वाइज अगर हम देखें तो 40% एग्रीकल्चर लेबरर पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। अब बात आती है एग्रीकल्चर लेबरर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, एग्रीकल्चर लेबरर कौन होते हैं? दे आर दोज पीपल हुज डू नॉट हैव एनी ओन लैंड, इनकी अपनी खुद की लैंड तो नहीं होती है, एंड दे गो एंड वर्क अनदर फार्म्स ऑफ द फार्मर, दूसरे फार्मर के फार्म पर जाकर इन्हें वर्क करना पड़ता है, इनके पास खुद की लैंड नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड, दीज लेबरर आर कॉल्ड एग्रीकल्चर लेबरर, इन्हें ही हम एग्रीकल्चर लेबरर बोलते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको पहले बताया कि एग्रीकल्चर लेबरर की सिचुएशन में पॉवर्टी लाइन के नीचे आती हैं, ठीक है? ये सोशल ग्रुप्स में इंक्लूड किए जाते हैं। अर्बन एरिया के केस में 33% जो कैजुअल लेबरर हैं, वो पॉवर्टी की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। ये पिक्चर से आपको क्लियर हो जाता होगा। कैजुअल लेबरर्स कौन होते हैं? दीज आर दोज लेबरर्स इज हु इज वर्किंग इन अर्बन एरिया टू कंस्ट्रक्शन साइट एंड फैक्ट्री एरियाज। तो ये कौन होते हैं कैजुअल लेबरर हमारे? ये हमारे वो होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर या फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये लेबरर हमारी कैजुअल लेबरर्स होती है कि जब हम इन्हें चाहें इन्हें हायर कर सकते हैं, तो ये हमारी कैजुअल लेबरर होती है। आगे देखते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। जो हमारा पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो सभी ग्रुप्स के लिए सिमिलर नहीं है। इंडिया के अंदर जो भी सोशल ग्रुप्स हैं या जो भी कैटेगरीज हैं, सबके लिए बिलो पॉवर्टी लाइन सिमिलर नहीं है। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड्स, ठीक है? तो बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो मोस्टली वल्नरेबल ग्रुप्स में इंक्लूड किए जाते हैं। आगे देखिए, अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबरर हाउस होल्ड, राइट? तो इन इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वो एग्रीकल्चर रूरल लेबर है जो वल्नरेबल ग्रुप्स में इंक्लूड की जाती है। डू यू नो एज, जेंडर और इनकम ये भी पॉवर्टी से रिलेटेड होते हैं, आप क्या जानते हैं? जैसे फीमेल चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, ये पॉवर्टी लाइन के नीचे आने के सबसे ज्यादा चांसेस इन्हीं के होते हैं, राइट? आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप्स देयर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर, बट सम सफर्स मोर देन अदर्स, राइट? वुमेन, एल्डरली पीपल एंड द फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। इसमें ये बताया गया है कि जो विमेन्स हैं या जो जो हमारी फीमेल इन्फेंट्स हैं,
ठीक है, जो नवजात फीमेल शिशु होते हैं, जो फीमेल इन्फेंट्स होती हैं, उनको इन चीजों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है. सो विमेन चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल आर द पुअरेस्ट ऑफ द अदर, बाकी सबसे पुअरेस्ट की कंडीशन में ये लोग ज्यादा होते हैं. इस पिक्चर में अगर आप देखें तो पॉवर्टी रेशियो जो है वो सिलेक्टेड स्टेट्स में है. इस पिक्चर में अगर हम ध्यान से देखें तो बिहार, ओडिशा, असम, इसके लोग जो हैं पॉवर्टी की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं. स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, जम्मू, केरला, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये पॉवर्टी की सिचुएशन को सामना कर तो रही हैं, लेकिन ये सभी स्टेट्स ओडिशा और बिहार से के कंपैरिजन में पॉवर्टी को रिड्यूस करने में सक्षम हो रही हैं. ये इतनी पावर, यहाँ इन स्टेट्स के अंदर इतनी पॉवर्टी नहीं है जितनी पॉवर्टी ओडिशा और बिहार के अंदर देखने को मिलती है. देखिए किस तरीके से बाकी स्टेट्स ने अपनी जो पॉवर्टी है उसको दूर करने की कोशिश की है. सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा पंजाब की. हरियाणा पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत जल्दी ही हरियाणा पंजाब में की स्टेट ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपना लिया था, जिस वजह से पॉवर्टी तो हटी ही, साथ ही एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्रीज होती है. सेकेंड बात आती है केरला की. केरला में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की वजह से इस स्टेट ने एजुकेशन और हेल्थ केयर की वजह से पॉवर्टी को दूर किया है. तीसरी बात आती है वेस्ट बंगाल की. वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स मेजरमेंट की वजह से जो पॉवर्टी है वो दूर हुई है. वहां के लोगों ने इस पे फोकस किया और वहां की जनता के बीच लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, जिससे पॉवर्टी दूर हो गई है. लास्ट आता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स की हेल्प से वहां की पॉवर्टी को दूर करने का प्रयास किया गया है. अभी ये तो बात थी हमारी इंडिया की. अब बात करते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन. हमने पॉवर्टी लाइन की बात करी है इंडिया की पॉवर्टी लाइन, अब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी कुछ होती है उसको देखिए. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी पर्सन एक डॉलर पर डे के अकॉर्डिंग जो नहीं कमा पाता, पर पर्सन जो एक डॉलर पर डे के अकॉर्डिंग नहीं कमा पाता है तो वो पॉवर्टी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, वो पुअर कहा जाएगा, राइट. इसमें हम इस टेबल को देखने से आपको पता लगेगा कि डिफरेंट कंट्रीज की सिचुएशन डिफरेंट है, किस कंट्री की सिचुएशन डिफरेंट है और किसकी पॉवर्टी में इंक्लूड की जाती है. अगर हम चाइना की बात करते हैं तो वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कारण चाइना के बहुत ही कम जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी का सामना कर रही है. बहुत कम लोग ऐसे हैं चाइना के अंदर जो पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी है. इसके बाद इस पिक्चर में देखने से आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी. इसके बाद 1990 में वर्ल्ड को 35% पॉपुलेशन पुअर थी. वर्ल्ड में 1990 के अंदर वर्ल्ड में 35% जो पॉपुलेशन थी वो पुअर थी, बट 2013 में ये कम होकर 10% ही रह गई. धीरे धीरे पॉवर्टी जो है वो वर्ल्ड से कम होती जा रही है. आपको देखने से पिक्चर में पता लगेगा कि 1990 के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन की 35% पॉपुलेशन में पॉवर्टी थी, बट जैसे ही टाइम आगे बढ़ता चला गया ये पॉवर्टी का जो रेशियो था ये कम होता चला गया है, इसकी परसेंटेज कम होती चली गई है. सो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब पॉवर्टी हमारे वर्ल्ड से
खत्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि हमें पता लगेगा कि क्या कारण है, पॉवर्टी होने के कारण क्या है। सो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे, बट इससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा। बिल्कुल हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूरी है। और पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने 8th, 9th, 10th की तीनों क्लासेस की वीडियोस डाल रखी हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सो सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।